बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरत की इस बहुत बड़ी दुनिया में बहुत सारे वारदात हैं, जिनमें से एक जवाहर भी है। जवाहरात की तारीख बहुत पुरानी है। पुराने वक्तों में जवाहरात के मतलब बहुत सारी मालूम इकट्ठी की गई थी, और पत्रों से मतलब जो भी मवाद हासिल होता था इसमें पुराने ज़माने की मालूम का ज़रूर दाखिल होता है। इसके अलावा जवाहरात का जिक्र कदीम के मशहूर हमारे मुसन्निफीन की तसानीफ में भी मिलता है, जो इस हमारे की दलील के मुकद्दस दीन जवाहरात के खास और कदरों की मत से बखूबी वाकफ रखते थे। बरसगीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत पुरानी किताबों, पुराणों और शास्त्रों में और पत्रों और उनके खास पर अजीब जिक्र अजीब और गरीब कहानियों के साथ मौजूद है। जवाहरात की दरियाफ्त जिसने अपने जवाहरात की दरियाफ्त के मतलब जो मालूम मिलती हैं, इनके मुताबिक जमाना कदीम में एक ताकतवर राक्षी बालासुर नामी गुजरा, जिसने अपने जोरे बाजू से अंदर और दूसरे देवताओं को मगलूब कर लिया था। और जब इन देवताओं को राक्षी बालासुर की ताकत का यकीन हो गया तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इनका यह रिफ ना मगलूब है। तो उन्होंने राक्षी बालासुर से इस्तेदा की कि तू हमारे देश में कुर्बानी का आह्वान है। इसने देवताओं की इस बात को तस्लीम कर लिया और इनके देश में बैठ चढ़ गया। इसने कुर्बानी के बाद इसके जिस्म के दौड़ते उड़ते हुए आसमान पर पहुँचे और वहाँ से वापस जमीन पर गिरे। जहाँ जहाँ गिरे वहाँ जवाहरात की कहानियाँ पैदा हो गई, जहाँ आंटियाँ गिरी वहाँ अल्मास पैदा हो गए। गर्चे के जवाहरात की दरियाफ्त के मुतालिक और भी बेशुमार दास्तानें मिलती हैं, जो हकीकत पर मबनी हैं या मन गढ़ंत। इस बात से कतअ नज़रिया हकीकत अपनी जगह मुसलमान के जवाहरात अपने अंदर एक अजीब दिलकशीन और कुव्वत समाये हुए। जवाहरात की बेशुमार इकसामें और इनकी अलहदा अलहदा खासियत के बारे में सिर्फ जोरी ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने जवाहरात की जांच पड़ताल पर दस्तरस कसल की होती है, जबकि आम आदमी इनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए ये मशहूर मसला है कि जौहर की कदर जौहरी बेहतर जानता है। बहरहाल ज़माना कदीम से लेकर अब